एफ टू जे प्लस एफ थ्री के भी एनी डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन। ओके आज थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, तो अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा हो मैं तुम्हें दूर सॉल्व करने के लिए तो पहले बता देना सर नहीं हो रहा, टाइम नहीं दूंगा, ठीक है? ओके नाउ एनी फंक्शन एफ इजिकल टू एफ वन आई एफ टू जे एफ थ्री के भी एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन देन द डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन देन द डाइवर्जेंस व्हाट डज मीन बाय डाइवर्जेंस पहले बताया था मैंने L dot f, f vector. नहीं, डाइवर्जेंस एक्चुअल में क्या होता है, डाइवर्जेंस और जो कन्वर्जेंस होता है उनको अगर हम नॉर्मल बताना चाहें लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में प्रेडिक्ट करना चाहें देन कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं? डाइवर्जेंस मीन्स जब वैल्यू हमारी क्या है फंक्शन की, डेफिनेट, डाइवर्जेंस में इनडेफिनेट, इनफिनिट, कन्वर्जेंस में डेफिनेट आती है, फाइनाइट आती है वैल्यू, और इसमें इनफाइनाइट आती है क्योंकि नेम से ही हो रहा है ना, डाइवर्ज होने का मतलब उसकी वैल्यू डाइवर्ज हुई, कन्वर्ज होने का मतलब एक वैल्यू उसकी कन्वर्ज है। देन द डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय डाइवर्जेंस ऑफ एफ ओ आर और डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। तो डाइवर्जेंस का साइन कौन सा है, जो ग्रेडियंट का साइन था सेम, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि ये जो एफ है ये क्या है यहाँ पे वेक्टर, ठीक है? तो अब अगर इसे हम लिखना चाहेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल एफ वन बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ टू बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री बाय डेल जेड। एफ वन एफ टू एफ थ्री है, इसका एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में पार्शली डेरिवेटिव करेंगे। ओके ठीक है सर, तो जो ग्रेडियंट निकाला था दैट वाज फॉर स्केलर राइट? नहीं, वो फंक्शन तो हमारा एक्स वाई जेड में था, एक्स वाई जेड में जो फंक्शन तो हमारा आई जे के एफ में ही था, पर वो स्केलर फंक्शन था हमारा, फंक्शन जो होगा ना वो तो आई जे के एफ के में ही आया था ना, जैसे 2x ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फंक्शन वाज अ वेक्टर, बट इन दिस केस इट विल बी अ स्केलर। हाँ, इस केस में स्केलर होगा ना, यस, उस केस में उसका जो ग्रेडियंट आया था वो वेक्टर आया था। क्यों डिफरेंस देखो अब क्या है इसमें और उसमें डिफरेंस क्या था, वो क्या था ये किया अपन ने तो आई डेल फाइव बाई डेल एक्स ये आया था ना दिव्या, यस सर। तो अब इसमें देखो क्या चीज आ रही है हमारे पास एक्स्ट्रा, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, उसमें आई जे के आ रहा है उसमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये स्केलर आएगा वो वेक्टर आएगा। एग्जैक्टली तो क्यों वो क्यों था, क्योंकि ये दोनों वेक्टर चीज है, ये भी क्या है एक वेक्टर है और ये भी क्या है एक वेक्टर है, जब वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ना तब हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कांस्टेंट वैल्यू आती है, मतलब ये वेक्टर है ये भी वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर का डॉट करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी। बट उस केस में हमारे पास क्या था कि जैसे ये हमारा फंक्शन दिया पर जब उसका ग्रेडियंट निकाल रहे थे ना तो ग्रेडियंट एक तरीके से हम स्केलर मानते हैं ग्रेडियंट को, तो अब जब उन दोनों का आया तो हमारे पास वेक्टर वैल्यू आएगी उसकी। लाइक अगर मैं बात करूं आर वेक्टर दिया हुआ है आपको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है? तो डाइवर्जेंस ऑफ आर बताओ मुझे जल्दी से, थ्री, थ्री, वेरी गुड वेरी गुड, थ्री इज द करेक्ट आंसर डियर। कैसे आया डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर आएगा, तो क्या होगा इसका वन प्लस वन प्लस वन थ्री, यही होगा ना, इसका आपने पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे डाइवर्जेंस की जो अकॉर्डिंग डेफिनेशन टू डाइवर्जेंस डेल फाइव वन बाय डेल एफ वन बाय डेल एक्स डेल एफ टू बाय डेल वाई डेल एफ थ्री बाय डेल जेड, तो जब इसका पार्शियली निकालेंगे तो क्या आएगा वन 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 तो थ्री। तो हमेशा याद रखना कि डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस आर वेक्टर इज इक्वल टू थ्री। अब उसके बाद नेक्स्ट है सोलेनोइडल वेक्टर, what does mean by solenoidal vector, divergence of that vector is zero, very good, the necessity and sufficient condition for a vector function, vector function ke liye necessity condition jo hoti hai wo hoti hai divergence of f vector is equal to zero or we can say divergence of f is equal to zero, agar definition likhna chahoge to definition ye hogi iski, the necessary and sufficient condition फॉर अ वेक्टर फंक्शन एफ टू बी सोलेनोइड
if divergent of is condition है ना, so is divergent of f is equal to zero. किसी के फैन या कूलर चल रहा है क्या पास में जहाँ वो क्लास ले रहे हैं? बहुत नॉइज आ रही है. ठीक है, समझ में आ गया ये? ओके सर, चलो ठीक है, वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट इज नॉट अ पॉइंट. लेट फाई इज अ स्केलर एंड ए इज वेक्टर, देन डाइवर्जेंट ऑफ फाई ए इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? एनीवन? डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए, इफ फाई इज अ स्केलर ए इज अ वेक्टर. मतलब ये था हमारा जो मैंने यहाँ बताया कि हमने यहाँ डाइवर्जेंट किसका फाइंड किया था? डाइवर्जेंट ऑफ सर स्केलर वेक्टर, वेक्टर ये तो वेक्टर है ना. तो डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर था हमारा डी एफ वन बाई रेड फाई डॉट ए. यस, रेड फाई डॉट ए प्लस आई ग्रेड फाई डॉट ए. यस, प्लस प्लस आई फाई डाइवर्जेंस ए. वेरी गुड सामित, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर.